फिर से दिल के अरमां आंसू में बह गए। एशिया कप में इंडियन वुमेन टीम ने पाकिस्तानी वुमेन टीम को पिछाड़ के रख दिया। पिछले 40 दिन के अंदर 40 दिन के अंदर तीसरी दफा आप हारे हो। आप इंग्लैंड से तीसरी दफा हारे होते दुख ना होता, आप न्यूजीलैंड से तीसरी दफा हारे होते इतना दुख ना होता, आप ऑस्ट्रेलिया से तीसरी दफा हारे होते इतना दुख ना होता, आप इंडिया से लगातार इंडिया से तीसरी दफा 40 दिन के अंदर वो भी बड़े से बड़े टूर्नामेंट के अंदर हार गए हो। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। आप वर्ल्ड कप में उनके हाथों पहले गए, हर चीज के अंदर आप पहले जा रहे हो उनसे उमर भाई। ये पिछले 1.5 साल से सीरीज पे सीरीज हारती जा रही है। अब भी ये इंग्लैंड से 4-1 से हारे, उसके अलावा वेस्टइंडीज से बुरी तरह से हारे, बांग्लादेश ने इनको अपने घर के अंदर हरा दिया, फिर जिसको कहते हैं न्यूजीलैंड ने यहाँ आके इनको हरा दिया। इबरत से इबरतनाक शिकस्त इनको हो रही है। और जिसको कहते हैं सबसे बड़ी जिम्मेदार है हमारी कप्तान, पाकिस्तान की जो टीम है, जब जब इंडिया का नाम इनके सामने आता है ये डर जाते हैं, 100% ये डरते हैं यार। अब तो क्लियर होके रह गया, साफ सी बात है, ये कोई जिसको कहते हैं टीमों का फर्क नहीं है, डर पो गया, साफ सी बात है। बिल्कुल जी, जहां इंडिया के साथ मुकाबला हो जाए डर जाते हो, और हमें भेज दो, हम जिसको जाते जाते जाके थोड़ा बहुत खेल ले। लगता है तुम्हारी किस्मत में खुशी है ही नहीं भाई, असल में पाकिस्तान की किस्मत से खुशियां चली गई है, क्योंकि तुम लोगों ने बहुत सारे लोगों के जो है उस पर बड़ा हंसे हो, बड़ा ट्रोल किया है, बड़े ड्रामे किए हैं, अब तुम्हारी किस्मत में खुशी है ही नहीं, मेरा मान होना। तो जनाब पाकिस्तान की मेंस की टीम हो, लेजेंड्स की टीम हो, या फिर जो वुमेन्स की टीम हो, इंडिया के सामने वो जीरो ही नजर आती है। जब जब इंडिया के सामने जाती है भाई साहब, वो फेंटा खा के आती है। ये पाकिस्तान की क्रिकेट है, धागे खोल दिए, ऐसे चीर फाड़ दिया, लग नहीं रही था ये कि पाकिस्तान की टीम कह रही है, ये तो लगता था वो गली मल्ले से इकट्ठे दांत दिखा रहा बेगारत, वहां बाहर बैठ के बेहया, बेशरम, बेगारत, लानत तुझ पे और तेरी क्रिकेट पे और तुझे लाने वालों पे लानत। फील्डिंग इनसे नहीं होती, मुंह से बाले पकड़ती हैं। अबे ओए क्रिकेट खेल रही हो या मजाक कर रही हो? और ये जो वसीमा, ये जो लैपटॉपिया, ये जो लगड़ बगड़, ये जो फगड़, ये जो फुतू तुमने लगाया, किस बेस पे लगाया? ओए मोहसिन नकवी, तू क्रिकेट के नाम पे एक धब्बा, यू आर ए ब्लैक स्पॉट फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। पहले हमारे जो कह लें के नौजवान हैं T20 वर्ल्ड कप से धक्के खा के निकले हैं, फिर हमारे लेजेंड्स फाइनल मैच हार गए, और आज कह लें के हमारी वुमन, हमारी खवातीनें भी भारत से अपना पहला जो T20 का मैच है देखने को मिला है वो हार गई हैं। क्या कहना चाहते हैं? ना तूबा, ना सिद्रा, ना आयशा, कोई भी चलता हुआ दिखाई नहीं दिया आज। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो हमारे टीम के साथ एक अजीब सिलसिला हो रहा है, जिस तरीके से इंडिया के सामने आते तो हाथ पैर फूल जाते हैं इनके, तो पता नहीं क्या हो जाता है, इतना ज़्यादा प्रेशर ले लेते हैं इंडिया का, मुझे समझ नहीं आ रही। पाकिस्तान की वुमेन्स इतना अच्छा कर रही थी, इंडिया ने जिस तरीके से अपने स्पोर्ट्स के ऊपर वर्क करते हैं, क्रिकेट के ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा वर्क किया, और हमारे इधर वुमेन्स की खबरें निकल के आती है पाकिस्तान वुमेन्स की, जो कि हमारे निदा डार जो कैप्टन मिस कैप्टन जो है वो ट्रेनिंग में शमूलियत नहीं करती, ट्रेनिंग नहीं करती है, तो फिर आपकी परफॉर्मेंस कैसी निकल के आएगी? यार देखो, आज एक बात तो कन्फर्म हो गई है कि हम अगले 100 साल भी टीम इंडिया से नहीं जीत सकते, चाहे हमारी लड़कियाँ हो, चाहे लड़के हो, या लेजेंड्स भी हो ना, हम लोग इंडिया से नहीं जीत सकते। हमारा इंडिया से इज्जत बचाने का एंड पे एक ही तरीका बचता है कि इंडिया के साथ क्रिकेट खत्म कर दो। ये तो कमाल का आइडिया है भाई। भाई हैट्स ऑफ टू टीम इंडिया, ठीक है यार, वुमेन टीम इंडिया, जिस तरह की वो लोग परफॉर्मेंस दिखाते हैं ना, मतलब चाहे वो उनकी लड़के हो चाहे उनकी लड़की हो, वो हमारे हमेशा हमें हराते ही रहेंगे भाई, वो चाहे उनकी ए टीम हो चाहे उनकी सी टीम हो, हम हारने के लिए पैदा हुए हैं सर, हम हारने के लिए पैदा हुए हैं, खासतौर पर हम लोग इंडिया से तो हारने के लिए ही पैदा हुए हैं। सर ये बड़ी बेइज्जती नहीं हो रही हमारी भारत? हां जी बहुत ज्यादा हो रही है। एशिया कप है, कोई गली मोहल्लों का मैच नहीं है, क्या परफॉर्मेंस हम दे रहे हैं? बहुत ज्यादा गंदी किस्म की परफॉर्मेंस है, इंतहा दर्जे की। यार देखिए पाकिस्तान की जो वुमेन टीम है ना, मुझे लग रहा है इनको क्रिकेट छुड़वा के ना घर के कामकाज पे लगाओ, इनको जाके बच्चे पैदा करें, इनको कोई जाके खाने वगैरह बनाए, हांडी वगैरह दो, क्रिकेट खेलने के बस की बात नहीं है भाई। इंडिया T20 वर्ल्ड कप भी जीत के गया, ODI वर्ल्ड कप भी ऑलमोस्ट जीता हुआ गया है, U19 वर्ल्ड कप भी उनके पास है, एशिया कप वुमेन भी वो ले जाएंगी, हमारे पास क्या आएगा? खुदा की लाठी पड़ी है तुम्हारे वहां पर।
बेइज्जती का सर्टिफिकेट मिल चुका है ऊपर से। चाहे आप बात करें पाकिस्तान के सीनियर टीम्स की, चाहे आप बात करें पाकिस्तान की जूनियर टीम्स की, चाहे आप बात कर लें पाकिस्तान की मेंस टीम की, चाहे आप बात कर लें पाकिस्तान की वुमेन टीम की, एक चीज तो इन सब में आपको जो कॉमन देखने को मिलती है और वो ये देखने को मिलती है कि इंडिया से ये जो है जरूर हारते हैं। और आज एक बार फिर से जो आप कह लें कि वुमेन जो टीम है उनको भी शिकस्त हो चुकी है इस एशिया कप पे। 19 ओवर का सामना किया पाकिस्तान की टीम ने और सिर्फ 108 रन बोर्ड के ऊपर लगाए। जिनका कोई खास पाकिस्तान में मैच नहीं देखता इनके ऊपर भी इंडिया का इतना प्रेशर है। टुक 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 ये अमीन कुछ कर गए हैं, 25 रन इन्होंने बनाए 35 बॉलों पे। टोटल आप कह रहे कि टुक टुक क्रिकेट जो इन्होंने खेली है यार। क्या हमारे नसीबों में हार ही रह गई है यार, हम कब जीतेंगे? मुझे तो ये अफसोस होना शुरू हो गया कि यार जिस तरह हमारे यानी कि एशिया कप से बात करते हैं, एशिया कप में हम लोग हारे, ओडीआई वर्ल्ड कप में हम हारे, टी20 वर्ल्ड कप में हारे, लेजेंड्स हमारे चौक करके वो हार गए, ठीक है, उसके बाद जो फीमेल थी हमारी आखिरी उम्मीद। जब किस्मत खराब होती है ना, जब आप सोना भी उठाते हो ना तो वो भी टट्टी बन जाता है। वेल डन भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन। हिंदुस्तान वुमेन टीम ने पाकिस्तान वुमेन टीम को जो है वन साइडेड मैच से हरा दिया है। और आज दोस्तों पहला मैच हुआ था नेपाल वर्सेस यूएई का, बहुत बढ़िया मैचेस गए, दोनों मैचेस वन साइडेड गए। यहां पे देखे भाई, भाई 45 बॉलों पे 72 रन बनाए हैं नेपाल के। वेल डन ब्रेव लेडी भाई, क्या जबरदस्त इनिंग खेली है। और साथ तो साथ भाई ये भी सुनते जाएंगे भाई, शिफाली वर्मा ने और मंदाना ने मिलकर दोस्तों पाकिस्तान की वुमेन टीम को जो है क्रश कर दिया। वन साइडेड मैच जो है वो सिर्फ 14 ओवर में जो है वो चेस कर लिया 108 रन का ही, तो वो टारगेट था, लेकिन उसको बड़ा इजी तरीके से जो है उसे चेस करने में कामयाब हुई है। और भाई अपनी टीम के अंदर जो है वो नेट रन रेट से टॉप पे बैठ चुकी है। वही क्रिकेट, वही ग्राउंड, वही कहानी, वही नेट रन रेट, वही भाई जो है क्या बोलते हैं पॉइंट टेबल। सिर्फ जेंडर थोड़ा चेंज है, वो मैन थे ये वुमेन्स है। तो भैया कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तानी हो थोड़ा तावीज वावीज करवाओ कहीं से यार, ये इतनी बदबख्ती कहां से आ गई है, जज्बे वाली कौम ऐसे कैसे गिर सकती है भाई। आई कांट बिलीव यार, ये क्या हो रहा है भैया।